يظهر على غيبي أحد إلا من تضمن الرسول إلا أمان تضمن الرسول فالنبي البين ليعلم من قد أبلغ رسالات رب محاد من شد عده. बोलता कि नहीं बोलता? क्या जोर से बोल। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तू औरत है आदमी हमारे आला कौन है? अच्छा तुझे शमशान से लाए थे कब्रिस्तान से लाए थे? जोर से बोल। अच्छा तुझे औरत ने लाई आदमी ने लाया? उसका नाम नहीं पूछा मैं अभी, खाली औरत ली आदमी लाया ये बता कौन लाई आदमी लाया? अच्छा वो इसके माँ के तरफ की रिश्तेदार है क्या, ससुराल के तरफ की? शादी हुई क्या इसकी? नहीं, नहीं। अच्छा इसकी माँ के तरफ की है क्या, बाप के तरफ की है? बाबा बाबा। अच्छा दुश्मनी क्या थी, जमीन जायदाद की थी, झगड़ा था क्या था? जोर से बोल कमबख्त। जायदाद में क्या था, जमीन था, प्लाट था, घर था, क्या था? कौन से गाँव का घर था वो? कौन से एरिया में का? अच्छा कौन सा माहौल था वो? वो नहीं, वो मोहल्ला नहीं है। कहाँ है वो गाँव? वो बेड़ 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 बेड़। जोर से बोल। कौन सा पेड़? पेड़ गाँव। अच्छा फिर वो आदमी ने जादू करा औरत ने करी? तो औरत कौन है, उसकी माँ की रिश्तेदार है बाप की है? अच्छा और घर में किस किस पे करी जादू ने, और घर के अंदर इनके क्या बोल के करी? अच्छा एक एक से सबको मार देने वाले है? पहले किसको मारने वाले सबसे पहले? हाँ उसके बाद? अच्छा ये छोकरी की माँ, फिर उसके बाद बाबा, फिर छोकरी का बाप, फिर उसके बाद माया माया माया, सब कुछ एक एक से क्या करके मारने वाले थे? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके सुसाइड करा के? माया बीमारी डाल के। तुझे कौन से कब्रस्तान से लाए, कौन से गाँव के कब्रस्तान से पकड़ के लाए, शमशान से कहाँ के लाए? अच्छा हिंदू है, हिंदू है हमारे आला। मरने से पहले क्या नाम था तेरा? क्या क्या हाँ बोल, क्या था नाम? बाबू बाड़ू बाड़ा बाबू बाड़ू बाबू बाड़ा साहब क्या था? बाबू बाड़ू बोल। अच्छा बाड़ू कब मरा था? 10-15 साल पहले। कौन से गांव में मारा था? वो राजस्थान। राजस्थान कहाँ मारा? राजस्थान वो मारा। कहाँ बोल रहा हूँ? राजस्थान वहाँ मारा था। और कैसा, क्या एक्सीडेंट होके बीमारी से कैसे मारा था? मैं साधु था। अच्छा वापिस आ रहा था? नहीं मैं साधु था। अच्छा जा रहा था? नहीं हाँ मैं साधु था। अच्छा तू साधु था, जादू करता था लोगों पे? वाह रे मर के भी लोगों को चैन से नहीं रंदा रहा। हाँ नाला बुड़बक जमीन में गाड़ू क्या देखो दो टुकड़े करके? कितने लोगों को मारा तुम जादू करके अभी तक? 200 लोगों को मार दिया कमबख्त नाला, लोगों के जाना लेता ऐसे। अच्छा और इसके बाद में ये बच्ची को कब मारने वाला था, इसका क्या नाम है जी छोकरी का? नौशीन। नौशीन को कब मारने वाला था? भाई 2 दिन में इसका हाथ काटा, इसको घर धोया गया। अच्छा 2 दिन पहले उसका हाथ काटा तूने? फिर और क्या करा? और गोला गया, गोला कहीं के गोला खिला रहा था तू उसको? कहीं के नींद के? अच्छा सुसाइड करा के मारने वाला था? उसका हाथ भी काटा था? तू कर रहा था ये सब? अब क्या करो, तेरे दोनों हाथ काट दूं मैं? तुम हाथ काट के भाई टांग दूं? अच्छा ये जादू जो करी उन्होंने, तो जादूगर को कितने पैसे दे के जादू करी बच्ची पे, इसके बाप पे, सब लोगों पे? बहुत बहुत बहुत। कितने दी?
अच्छा तेको नहीं बोली उन्होंने, वो तेको नहीं मालूम जादूगर ने कितने लिया पैसे तो ना, ना। अच्छा बच्ची का क्या लेकर थे जादू चलाते घर पे, कपड़ा बाल मट्टी चप्पल क्या लिए थे? वो बाल मट्टी चप्पल क्या लिए? बाल मट्टी वो कपड़ा लिए। अच्छा चप्पल लिए। अच्छा मामा हाँ वो क्या करना अब तेको, अब तेको मार के काट के तेरे कपड़े कर दूं क्या? मैं तेरा भरोसा नहीं अब तेरे। और ये बच्ची को दवा कहीं में खिलाई थी उन्होंने ला के, इसके माँ बाप को सबको कहीं में मिला खिलाए? अच्छा कितने बार डाले वो? 15 साल से डाल रहे कंटिन्यू जगड़ के रखो इसको ना सारे साल। और तेरे साथ में कितने शैताना छोड़े वाले? मेरे साथ में और दो है। अच्छा ठीक है, सबको झगड़ लो तेज एक साथ में, सबको जला के नष्ट करने की तैयारी करो, झगड़ लो उसको नाला और तेज एक साथ में, बंद के रखो। चल तो बात कर देती, दोनों हाथ उठा के उनको मार के तेरे दोनों हाथ काट दूंगा कमीने साधु, लोगों को परेशान करता है नाला है तेरे साधु जुड़ो बोलता कमी है, मारो उसको कुबा। और चल तो कर जल्दी दोनों हाथ उड़ा ऊपर मुंह मार के, तो दबा कर सुने आया क्या तुझे कुछ? जल्दी तो दबा कर अल्टा के चीख मार के, सुने नहीं आ रहा बे जोर से? हाँ और जोर से, जोर से कमजोर शैतान, या कौन परेशान करना है, हटो ये छोड़ो भाग रिटर्न छोड़ दो, पीछे से हटो देख यार दोबारा दिखना तेरे टंगड़े हाथ तोड़ के तेरे मार के तेरे बाहर हाथा पाँव टांग लूंगा कम बखत, वो तुम्हारे जादू अंटो ने बाप का राज चल रहा होता कर रहे। चल निकल बाहर जल्दी, अब तेरी सारी जितनी अंदर दवा अटके रही उनके सब उतार करा के निकाल के फेंकता हूँ बाहर, तू निकल जल्दी दिखना है मुझे। जल्दी हाथ काट लूंगा मैं दोनों भी, वो या अरे क्या हुआ जी, पानी दो पीने को, पानी पियो। अरे क्या होगा, पानी पियो, ये पानी पे अतल कुर्सी 7 बार चारों कुल 7-7 बार पड़के सही ठोकना और उसके आंग पे घर में 70 छिनकना, और दूसरा पानी जो है दुआ का पानी ये बढ़ाना पिलाना दिन भर ज्यादा से ज्यादा, कहीं का लगे वाला शैतान नहीं हूँ लाकर लगाए वाला है बोल रहा वो, हम कौन डाले क्या डाले तो तुम्हारे कौन है ये तुम्हारे कौन है? हाँ तुम्हारे वो इनके अब्बा के कोई तो भी रिश्तेदारों डाले बोल रहा हूँ, और मैं अभी नाम नहीं पूछा है कैमरे वाले इधर से लेके करी दास्तान है, शैतान लगे वाले अलग रहते लगाए वाले अलग रहते सब अलग अलग दास्तान रहती, ये जो है ये खिला के अंदर अटका के छोड़ दिया, और उन्हें बयान कर रहा था एक एक से पूरे लोगों को मारने की उसको ड्यूटी दिया जा रही है, कोई तो भी मरा हुआ साधु जादूगर था तो वो जादूगर सब लोगों पे जादू करता था, बाद में मर गया 200 लोगों को उन्होंने मारा, मर के भी अब चैन नहीं लेने रहा लोगों को, ऐसे नाला को छोड़ के तो नहीं इसको दूसरे से पकड़ के कैद करा के उसको गाड़ दिए कहीं तो भी जमीन वमीन में, बहुत लोगों को परेशान कर रहा था, और दूसरी बात उनके अंदर दवा अट गया लिए सब लोगों के, तो सबके उतारे वो करा के लेके हमला कराना, वो जैसे हमला करेंगे सब कटिंग सब लोग नमाज पढ़ने लगाओ कुरान भी आती है तो पढ़ो, और 7 बार सूर्य मुजम ये 10 बार सूर्य मुजम भी पढ़ते जाओ बाद नमाज फजर के जितने लोगों का सबके लोग, और दूसरी बात क्या बोलते तो एक दूसरे के ऊपर से जादू टोने करेंगे हसद व जलन से ये सब वाकयातों से ये सब ऐसे हरकतें करेंगे, तो ये एक तो कैसा था बिल्ली दूध पी रही आंखें मुझके ऐसा सोच के एक दूसरे पर जादू टोना करेंगे, और तुम लोग ये समझ रहे होंगे कि नाम मालूम नहीं पड़ेगा तो देखो कहीं ना कहीं नहीं पता चलेगा, मगर मेरे पास तो नाम पता चलेगा तुम्हारा कौन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कमबख्त हो शर्म करो जरी शर्म करो कर्म के जलो, अगर ऐसा करेंगे हरकत तो खबर में तो भरना है ना,
और जो जादूगर के पास जाता तो वो जादूगर के पास जाना और वो जादूगर हमें से नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नहीं करने का ऐलान कर दिया है, उनको बर्खास्त कर दिया है इस्लाम से, वो लोगों को खत्म जादूगर के पास जाने से। और तुम सोच रहे होंगे मैं रमजान में रोजा रख लूंगा, अल्लाह को राजी कर लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा, अल्लाह को राजी कर दूंगी या कर दूंगा, सजदे करूंगा, अल्लाह को राजी कर दूंगी या कर दूंगा। ये मुहम में मत रहो, कुरान पढ़ने से रब राजी हो जाएगा, सजदा करने से रब राजी कर देंगे, तुम्हारा रोजा रखने से रब को राजी कर देंगे, हज करने से, जकात देने से। तुम अगर ये सब करने के बावजूद अगर तुम एक दूसरे पे जादू टोना कर रहे होंगे तो तुम्हारी नमाज यकीनन तुम्हारे मुंह पे लाके फेंक के मार दिए जाएंगी, तुम्हारी नमाजों की गरज नहीं अल्लाह को, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाएंगी, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे, तुम्हारे सारे अमल तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे। अगर तुम जादूगर के पास जाके जादू टोना करते हो तुम्हारी सारी इबादतें रद्द कर दी जाएंगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें कानून बता रहा हूँ शरीयत का, अल्लाह उसके रसूल का, अल्लाह उसका रसूल क्या फरमा रहा जादू टोने के बारे में। तुम अगर एक दूसरे पैसे जादू टोने करेंगे और ये सोच के करेंगे अरे हमारा तो लेना महंगा, हमको थोड़ा मालूंगा, हम आपको कौन देख रहा, कौन देख रहा नहीं, उन्हें तो देख रहा ना, कोई देखो या ना देखो, लोग मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे वो बात दूर की, मैं नाम निकालूंगा नहीं निकालूंगा बात दूर की, मगर वो तो देख रहा, उसको तो सब नाम मालूम है ना, फिर छोड़ेगा क्या तुम्हारे को, तुमको बकर भरना भी पड़ेगा, खबर के अंदर जाके भुगतना भी पड़ेगा, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी, एक दूसरे को जादू टोने करके जिंदगियां खराब करने वालों बेशर्मो शर्म करो कहां जाके भरने वाले। और दूसरी बात ऐसी कि सगे रिश्तेदारों पे, सगे बच्चों पे, खुद के भाइयों के बहनों के ऐसे जादू टोने करिए, कैसा होगा ये, कैसा आलम है, कहाँ कौन सी दुनिया कहाँ जा रही, खयामत के बहुत करीब आ गए तुम लोग। और कितना भी बोलो तुम्हारे सामने भैंस के सामने बोलते नहीं कि बीन बजाने से कुछ फायदा नहीं पड़ता, वैसे तुम्हारे आलम आओगे। मामूल बनाओ इबादत का, इबादत ज्यादा से ज्यादा करो अल्लाह की, तुम ऐसा घर के अंदर एक मामूल दीन का पैदा करो, तुम्हारे घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को इबादत से मजबूती से थाम के इबादत करेंगे तुम, तो यकीनन तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी, तुम्हारी नमाजें कबूल हो जाएंगी, हज कबूलूंगा, जकात रोजा सब कबूलूंगा। भले ही तुम रोजा रख रहे सुबह से शाम तक, क्या बोलते तो खाना नहीं खा रहे अल्लाह के वास्ते, फिर जादूगर के पास जाके जादू कर रहे लोगों पे, तो बेगैरत हो, तुम्हारा रोजा नहीं है वो भुक्कापन हो रहा खाली, तुम्हारा रोजा कबूलित नहीं कर रहा ना, अल्लाह कबूलित नहीं कर रहा, तुम्हारे मुंह फेंक के मारने लगा दे रहा, गरज है कि तुम्हारे रोजे की, तुम्हारी टूटी फूटी नमाज होगी अल्लाह को, जो तुम जादू आंटों ने करके आ रहे हैं, फिर आके उजाले में अल्लाह के सामने सजदे कर रहे लोगों को बताने के वास्ते, और अंधेरे में जाके जादू टोने कर रहे। अरे नेक बनो, नेक सालहीन बनो, जिक्र असकार करने वाले बनो, तुम्हारे जबान में जिक्र का तासीर पैदा करो, तुम्हारे जबान में जिक्र की मोहब्बत, जिक्र की खुशबू और जिक्र की ताकत पैदा करो, जिक्र की खुशबू और जिक्र की ताकत अगर जबान में तुम्हारे पैदा हो जाएंगी तो फिर तुम्हारी रूहानी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग तुम पे जादू टोना करने वाला जगह पे मर जाएगा, चलाते जगह पे मर जाएगा, तुम्हारे जाके तुम्हारे पास ताकत। तो ऐसे रहते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी है ना तुम्हारी, तुम जिक्र अस्कार करेंगे इबादत करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी इबादत करेंगे। नशा करने को ना बेवड़े को अगर छोड़ दे तो दारू पीने भागता, खाना खाने के बाद में सिगरेट पीने वाला बीड़ी पीने वाले को तलमल 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 होता सिगरेट पीने के वास्ते, गुटखा खाने वाले को तलमल होता गुटखा खाने को, तो उसको गुटके का नशा है, उसको सिगरेट का नशा है, दारू पीने वाले को दारू का नशा है, तो तुम इबादत का नशा पैदा करो अपने अंदर, इल्लल्लाह का नशा, इल्लल्लाह का जाम नजर से पिला दिया, बस खाली इतना गाना याद है क्या तुम्हारे लोगों को, इल्लल्लाह का वाक्य में जाम पियो ना, इल्लल्लाह का वाक्य में नशे में डूब जाओ ना, अल्लाह के और उसके रसूल के नशे में चूर हो जाओ ना, अल्लाह उसके रसूल का नशे में डूब जाना बोल, तो उसका मतलब ये है कि अजान होने वक्त तुम्हारे बेचैनी होना नमाज पढ़ने की इबादत करने की, दिन में से एक टाइम तो इस कुरान पढ़ने की लत होना तुम्हारा बेचैनी होना, तो जब जैसा सिगरेट पीने वाले का बेचैनी होती सिगरेट पीने की, दारू पीने वाले बेचैनी होती दारू पीने की, वो उसके नशे में गर्क है, तुम अल्लाह और उसके रसूल के नशे में गर्क हो जाओ, डूब जाओ, मिट जाओ, फिर तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बन गई और कोई तुम्हें जादू टोना नहीं कर सकता, और तुम भी किसी पे जादू टोना नहीं चला सकते, और कोई तुम्हारे के आड़े आके तुमको कोई परेशान कर रहा अगर नेक वक्त इंसान है तुम, तो यकीनन अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर पहले ही फरमा दिया कि जो मेरे वलियों के, अल्लाह ने इसमें हदीस कुद्दूस में फरमाया पहले ही कुरान में, तो ये फरमा था कि अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़मून, अल्लाह फरमाता हकीकतन मायनों में तो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह का वली, हकीकतन मायनों में तो अल्लाह से डरता है, अल्लाह फरमाता अल्लाह का वली, ये पहले बता दिया अल्लाह ने। फिर अल्लाह हदीस कुद्दूस में फरमाता कि जो मेरे वलियों के बारे में जरी भी बोझ रखता अपने दिल के अंदर, बोझ बोझ बुरा बोलना नहीं, अभी तो बुरा बोलना तो बहुत दूर की बात है, बोझ खाली सोच में और दिल में और ख्याल में, खाली इतना सरकार नुकते बराबर पे डॉट रखता और उनके बारे में बुरा मन सोचता, तो अल्लाह फिर क्या बोलता मालूम क्या, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बोलता अल्लाह, नाराज होना एक अलग शक्ल है, नाराज बोले तो तुम्हारा रब तुमसे नाराज हुआ, तुम उसको इबादत करके राजी कर लो, नाराज नहीं बोलता अल्लाह,
अल्लाह बोलता कि मेरे वलियों से अगर बुग्ज रखते दिल के अंदर जरी भी कीना कपट तिल बराबर भी, तो फिर अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान कर देता। चलो जंग करने को तैयार हो, खुले जंग का ऐलान अल्लाह करता। अल्लाह तो बोलो तुम कहाँ जाएंगे, जंग का ऐलान बोलिए तो तुम्हारा दुश्मन बन के खड़े हो जाएगा तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम वली अल्लाह के दुश्मन बन रहे हो, अल्लाह तुम्हारे पास उनकी तरफ से उतर जाएगा, तुम्हारा दुश्मन तुमसे जंग करेगा, तुमसे खुले जंग का ऐलान करता अल्लाह फरमाता। लड़ सकते जीत सकते अल्लाह से जमीन पे, दुनिया के एक मामूली से गोले पे फेंकने वाले करो शर्म, करो शर्म। तुम्हारा को इबादत दिया गई, रस इबादत की रस्सियां दिया गई, छोड़ दिए, बल्कि तुम्हारे कौम पर और तुम्हारे लोगों पर और तुम्हारे नस्लों पर लानत बरस गई अल्लाह की। अल्लाह वालों को दुनिया के अंदर कोई आदर खान और कोई शख्सियत और कोई और जालिम शख्स जुल्म दे नहीं सकता, अल्लाह को जला जाता। तुम पे जुलूम पड़ रहा और तुम बोरे हम अल्लाह वाले, तो तुम इस पे से सोच लो ना तुम कितने अल्लाह वाले, तुम पे इतना जुलूम हो रहा, तुम फेसे जा रहे जगह जगह जलील हो रहे, तो भी अल्लाह क्या बोलते तुम्हारा बदला लेने मैदान में आ रहा। और अल्लाह वो है कि अगर बदला लेने की ठान लिया तो फिर जब खुदा हिफाजत की ठान लेता तो मकड़ी की चादर तान देता, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राह दे देता, वरना जान तो एक मच्छर भी ले लेता। कोई सी बात है, जब अल्लाह हिफाजत की ठानता तो बरोबर हिफाजत करता, फिर ऐसी भी हिफाजत करता कि यूनुस की हिफाजत मच्छी के पेट में करता, मूसा को दरिया नील से रास्ता देता, वो हर वो मामले में फिर अल्लाह का वाकया पढ़ लो सब जगह कहाँ कैसे कैसे हिफाजत करता, कैसे कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थे तो बाहर से मकड़ी की चादर तानने लगा दिया था, बदला लेने को आ गया तो एक मामूली मच्छर को हुक्म देके नमरूद को मारने लगा दिया था, बहुत बुरा जलील करके। वो नमरूद जिसको लोग सजदा करके दाखिल होते थे, बाद में ऐसा कि 10 जूते मार के शहर में दाखिल होना पड़ रहा था, सिर में मच्छर ना था पर मुंह दो। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, बोलने को तो बहुत बात है, क्या बोलना तुम्हारा कितना बोलना, मैं तुमको वही बातें बताता हूँ जो मैं प्रैक्टिकल में तजुर्बे देखता हूँ। और ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और सबसे बड़ी एक बात के इल्म हासिल करो, इल्म सीखो, समझो कुरान हदीस, ये सब बातें जो तुम महफूज रही, घर के अंदर एक मामूल बनाओ, रोज शाम में सूरह यासीन पढ़ के पूरे घर को सुनाते जाओ और सो जाओ। अब जब सुबह में उठेंगे तो पूरे घर को बिठा के एक साथ सूरह यासीन की तिलावत करके सुनाना, कोई भी एक जने ने पढ़ के, ऐसा मामूल बनाओ, फिर शाम तक सब लोग महफूज रहेंगे। जैसा मामूल बनाओ घर के अंदर, तो हदीसें सुनाओ, कम से कम एक हदीस को भी सुनाओ, एक हदीस रोज सुनेंगे तो साल के कितने हदीस हो जा रहे हो, 360 हदीस पढ़ ले रहे हो, याद हो जा रहे हो। तुम कानून कायदे रूल्स शरीयत अल्लाह रसूल की मालूम रहेंगी हदीसें पढ़ के, तो तुम महफूज रहेंगे सब बातों से। नहीं तो घर को हो गए वो लोग जो दूसरों का भी घर जलाने को, तो दूसरों को जला दिए उन्होंने, उन्होंने भी बेचारे बर्बाद हो गए और खुद भी घर हो गए, फिर वही सी बात हो जाती, जो ना मांगे सीख वो मांगे दर भी। क्या बोल, बोलने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। और कोई जादूगर के पास जाना नहीं, लास्ट का मतलब मैं इतना ही बोलूंगा कि जादूगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते, कोई तुम्हारे फर्क नहीं देते, कोई फर्ज नहीं होता, कुछ नहीं, वहां सिर्फ नहुसती निकलती, तुम किस कहने जादू करने को भी जा रहे हो और दूसरे पे जादू भी कर, तुम पे भी जादू की नहुसती पड़ती, उस पे भी नहुसती पड़ती, सब मबूस हो जाते उसके अंदर और खत्म हो जाते, पना हो जाते सब लोग, करने वाला भी, कराने वाला भी, और जिस पर कर रहे बेचारे पे वो भी, क्योंकि जादू की खास बात ही वो है जो सबके ऊपर छिड़ बढ़ते सब नहुसती में गर्क हो जाते हैं। और तुम अगर ये सोच के जा रहे होंगे कि नहीं हम आई गुजर जाएंगे उस पर जादू, तो बोलते नहीं गर्म पानी से दूसरे का घर जला रहा तो खुद का भी घर, वो दूसरे का घर जलाया तो खुद का गर्म पानी से जलता, दूसरे के वास्ते खट्टा खोदा तो खुद के वास्ते भी खट्टा खोदा जाता, तो वैसी बात हो जादू टोने में। इसलिए जादू टोनों के रस्तों को नहीं जाना, नहीं जाना, और जादूगर तुम्हारे जिंदगियां बर्बाद कर देते, तुम्हारे से पैसे भी लेके खा लेते, तुम्हारी नस्लों को भी बर्बाद कर देते, सब बर्बाद हो जाता, कुछ आता नहीं उनके अंदर, शैतान बैठाला होता आना पनाना, कुछ आता नहीं, सब उलट टिलट करके बर्बाद कर देते। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, तुम्हारी दुनिया भी जाती है, आखिरत भी जाती, सब बर्बाद हो जाता। इसलिए कोई जादूगर के पास नहीं जाना, खुद के जबानों में जिक्र अस्कार पैदा करो, अल्लाह वलियों के पास जाओ, बुजुर्गाने दीनों के पास जाओ, ये लोगों का अपने फायज देता, इनके हस्ते अल्लाह तुमको फायज देता पूरे दुनिया को। ये सब बातें हैं, ये उलमा इनके काम है ये सब बातें बोलना, मगर बिरयानी तारिया खा के लौटते कौन पड़ेगा, कहाँ बोलने को उनको कुछ याद नहीं रहना, लल्ले तक खा ले रहे बाद में लौटते पड़ रहे, ये सब बात दुनिया को बता रहे हैं, उनके जिम्मे सब बातें बताना सब करना। वलियों के अल्लाह ने क्या मकाम रखा, वलियां क्या है, हाफिज आलिम क्या है, आलिम और हाफिज और मुफ्ती वो खारी, वो इल्म अलग है, वो इल्म कभी जान नहीं सकता वली अल्लाह बुजुर्गान दीन क्या है, क्योंकि अल्लाह ने उनके बीच में पर्दा डाला, उनको आंखों में तासीर और वो दिल में नूर नहीं दिया अल्लाह कि वलियों का इल्म जान सके उन्हें क्या है। वली अल्लाह का इल्म क्या है कुरान के अंदर पढ़ो तुमको भी पता चल जाता, और उलमाए दीन का इल्म क्या है तुमको भी पता चलता। उलमाए दीन का इल्म वही है कि जो तुमको शरीयत पढ़ा दी गई वो शरीयत पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, बाकी वली अल्लाह बुजुर्गाने दीन का इल्म डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्टेड होता। जैसा इल्म मूसा जो है कुरान के अंदर पढ़ो, वो
उलमा दीन का इल्म है, और इल्म खिजर जो है वो वली अल्लाह का इल्म है। तो वहां पर पैगंबर का इल्म पर जो था पढ़ो वाकया वही मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हो रही थी, मगर वाकया इनको कैसे पता चल रहे थे पहले पूरे, क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह इनसे भी बात कर रहा था ना खिजर अलैहिस्सलाम से। तो वही सी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, बोले ऐसा करो तुम पढ़ेंगे तो तुमको समझेगा, तुम सवाल करो मैं तुमको जवाब दूंगा, तो तुम्हारे जहन में सब बातें बैठेंगे, वरना तुम आप लोग ऐसा यूं घुमा देंगे, बेवकूफ बना देंगे। बेवकूफ मत बनो, इल्म के जानकार बनो, और अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, तुम महफूज रहेंगे। बुजुर्गाने दीन का अदब और एहतराम करो, तुम उनका अदब और एहतराम गलती से भी नहीं करेंगे तो सुन लिए ना, अल्लाह जंग करने के वास्ते तैयार है, बोल दिया जंग कर दिया मैंने, तैयार हो जाओ जंग के वास्ते। फिर बोलता अल्लाह जैसा मैं करने वाला हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, ऐसा नहीं बोलता अल्लाह। अल्लाह ऐसा बोलता कि मेरे वलियों के बारे में जरा भी बुग्ज रखते ठीक है, अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता है, ऐसा बोलते अल्लाह ने कर दिया जंग का ऐलान। और जिससे अल्लाह ने जंग का ऐलान करा उधर के सेफों में मत शुमारो, वैसे सफों में शुमार होंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा, और घर खो जाएंगे, पनाह हो जाएंगे। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। चलो रोक दोस्तों।